अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। अब भाई पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी उधड़ंग मुधड़ंग मची हुई है कि नसीम शाह कौन सी टीम के लिए खेलेंगे। सबसे पहले कह रहे थे कि नसीम शाह क्वेटा ग्लेडिएटर्स से जा रहे हैं, वो जा रहे हैं पेशावर जलमी में। उसके बाद खबर आई कि नसीम शाह जा रहे हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड के अंदर। अब खबर ये आ रही है कि नसीम शाह आ रहे हैं कराची के अंदर। तो भाई ऐसा क्यों हो रहा है, नसीम शाह के अंदर ऐसा क्या है कि भाई सारी टीमें उसके लिए मर रही हैं। आपको पता होगा कि भाई नसीम शाह ने T20 वर्ल्ड कप में कैसी बॉलिंग करवाई थी और लास्ट टाइम एशिया कप में इंडिया को कैसी बॉलिंग करवाई थी। भाई नसीम शाह इस वक्त शाहिन शाह से भी अप में चल रहा है। जैसे बात करें ना आप लोग, खतरनाक प्लेयर, पाकिस्तान का नंबर वन प्लेयर इस वक्त नसीम शाह। ये बात आप सबको माननी पड़ेगी और मैं भी मान रहा हूँ। तो भाई मुझे तो यही लग रहा है कि नसीम शाह जो है वो कराची किंग्स के अंदर ही आएंगे। अब भाई मौदा ये तो है, इन कोटा ग्लेडिएटर्स और कराची के अंदर ट्रेड होगा। ट्रेड ये होगा कि जो मोहम्मद आमिर है वो चले जाएंगे कोटा ग्लेडिएटर्स के अंदर और कोटा ग्लेडिएटर्स से आएंगे नसीम शाह कराची किंग्स के अंदर। भाई ऐसा हो सकता है क्योंकि भाई बाकी टीम्स के पास कोई इतना अच्छा प्लेयर नहीं है कि वो ट्रेड कर सकें कोटा ग्लेडिएटर्स के साथ नसीम शाह के लिए। तो भाई कराची किंग्स के अंदर मौजूद है स्विंगर एक नसीम शाह के जैसा, वो है मोहम्मद आमिर। तो भाई यही ट्रेड होगा मुझे लगता है और नसीम शाह कराची किंग्स के अंदर ही आएंगे। और इस बार भाई कराची किंग्स में इतने कोई खास प्लेयर भी नहीं है, इमाद नसीम चला गया है और बात कर लें बाबर आजम तो पहले ही चला गया था और मोहम्मद आमिर भी जा रहे हैं। भाई मोहम्मद आमिर जा रहे हैं लेकिन भाई उसके लिए कोई अच्छा प्लेयर मिल रहा है, वो है नसीम शाह। अब आप लोगों को क्या लग रहा है भाई, जल्दी से मुझे कमेंट में बताओ आप लोगों को क्या लग रहा है कि नसीम शाह कौन सी टीम के अंदर जाएगा। कराची किंग्स के अंदर जाएगा, इस्लामाबाद यूनाइटेड के अंदर जाएगा, सुल्तान्स के अंदर जाएगा या फिर बात करने के पेशावर जलमी के अंदर जाएगा। भाई हमें कुछ कख नहीं पता, मुझे कुछ कख नहीं पता, आप लोग बताओ भाई आप लोगों का अंदाजा क्या लग रहा है कि नसीम शाह कौन सी टीम के अंदर जाएगा। भाई इस वक्त तो लड़ाई बहुत चल रही है पाकिस्तान की लीग के अंदर। अभी 2 महीने है भाई, ड्राफ्ट भी नहीं हुआ। 13 दिसंबर को ड्राफ्ट होना है पाकिस्तान सुपर लीग का, ठीक है। लेट्स सी, चेक करते हैं कि क्या होने जा रहा है। वैसे भाई मुझे तो कराची किंग्स टीम पसंद है, उससे इमाद नसीम चला गया भाई, मुझे इस चीज का बहुत दुख हो रहा है। अपना बस ख्याल रखें, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपनी कमेंट में राय जरूर दें मुझे।